ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो लक्ष्मी नारायणाय। पवित्र कार्तिक मासरे आमे मास सारा माँ तुलसी वृंदावती देवी को पूजा करी थाउ, कारण देवी तुलसी हेउछन्ति पवित्रता आध्यात्मिकता सात्विकता भावर प्रतीक। सेथिपाई प्रत्येक घरे तुलसी चौरा को रखा जाए, तुलसी देवी को पूजा करा जाए। श्रीमनारायण विष्णुकर पूजा बिना तुलसी पत्र रे संपूर्ण हुए नाही बोली विश्वास करा जाए। तुलसी वृक्ष एक पवित्र वृक्ष, घरर आध्यात्मिक परिवेश सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि निमित्त मध्य तुलसी वृक्ष को पूजा करा जाए। तेबे कार्तिक मास सारा तुलसी पूजार विशेष महत्व रही। विशेष भाव में कार्तिक पंचुक तुलसी को स्वतंत्र भाव में पूजा करा जाए। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उत्थापन एकादशी दिन ठारु कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत यह पांच दिन व्यापी तुलसी देवी को विशेष भाव में पूजा करा जाए। जो मैंने पंचुक व्रत को पालन करती से माने तुलसी चौरा मूले तुलसी देवी पूजा विशेष भाव में करी। ता सहित कार्तिक शुक्ल द्वादशी रे प्रदोष काल रे बा संध्या काल रे देवी तुलसी सहित शालग्राम रूपी श्रीमनारायण विष्णु अथवा चित्रपट व प्रतिमा सहित तुलसी विवाह अनुष्ठित करा जाए। घरर सुख शांति समृद्धि वृद्धि निमित्त देवी तुलसी को प्रार्थना करा जाए। तेबे आसंतु जानिबा केउं केउं मंत्र पाठ करी कार्तिक मास सारा एपरिक विशेष भाव में पंचुक जदि आम देवी तुलसी को पूजा करिबा तेबे अशेष पुण्य फल प्राप्ति हेबो। कारण आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा रे मंत्रर स्वतंत्र महिमा रही। मंत्र उच्चारण करी जेउं देवदेवी को भी आवाहन करा जाए ता निश्चित भाव में फलदायी होता है, सकारात्मक फल प्रदान करें विश्वास करा जाए। तेबे समस्त मंत्र पूर्वरु त्रिगुणात्मक ओंकार शब्द को उच्चारण करा जाए। प्रत्येक मंत्र पूर्वरु ओंकार शब्द को उच्चारण करी मंत्र उच्चारण कले ताहा निश्चित भाव में पुण्य फल प्रदान करिथाए बोली विश्वास करा जाए। तेबे आसंतु जानिबा देवी वृंदावती तुलसींकर किछि अमोघ मंत्र संपर्क रे। जेउ मंत्र को उच्चारण करी आपण तुलसी गछरे जल दे पारिबे, तुलसी देवी को धूप दीप प्रदान करि पारिबे, नैवेद्य प्रदान करि पारिबे। देवी तुलसींकर सर्वप्रथम अमोघ मंत्र हेउछि श्री वृंदावती गायत्री मंत्र। जेउ मंत्र को आपण नित्य भाव प्रत्येक दिन पाठ करि पारिबे, विशेष भाव में कार्तिक पंचुकरे श्री वृंदावती गायत्री मंत्र को पाठ करी तुलसी देवी को पूजा कले अशेष पुण्य फल प्राप्त होइथाय। ताहा हेउछि ओम श्री ह्रीं वनदेवी विद्महे नित्य राधिकाये धीमहि तन्नो वृंदे प्रचोदयात्, अथवा ओम तुलसी विद्महे भगवती धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यही दुईटी हेउछि श्री वृंदावती गायत्री मंत्र बा तुलसी गायत्री मंत्र। यही गायत्री मंत्र को प्रत्येह 21 थर उच्चारण करंतु। एवं आउ किछि मंत्र हेउछि देवी तुलसींकर जहाँ आपण कार्तिक पंचुक विशेष भाव में उच्चारण करी तुलसी देवी को जल दिंतु, तुलसी चौरा मूले पूजा करंतु एवं तुलसी देवी को पंचोपचार विधि पूजा करंतु। ताहा हेउछि ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम वृंदाय नमः, मातः तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वं नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासी मुनीश्वरी नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरि प्रिय। तुलसी श्री महालक्ष्मीर विद्या विद्या जसस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत तुलसीर्भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरि प्रिया। एसबु मंत्र व्यतीत अमोघ मंत्र हेउछि तुलसी नामाष्टक मंत्र। जेउ मंत्र को आपण प्रत्येक दिन चाहिले मध्य पाठ करि पारिबे सेहि तुलसी नामाष्टक मंत्र टी हेउछि ओम वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थं संयुतं जः पठेत् तां च संपूज्य सौ श्रमेक फलं लमेता। ओम वृंदा वृंदाय नमो नमः। माँ तुलसींकर यही सब मंत्र को भक्ति भाव में पाठ करंतु, तुलसी देवी को पूजा करंतु। कार्तिक पंचुकर संपूर्ण विधि को आचरण करी सात्विक भाव को आचरण करी श्रीमनारायण विष्णु एवं माँ महालक्ष्मी पाद पद्म निजक समर्पण करंतु। विश्वास करा जाए कार्तिक
पूर्णमी पर्यंत कार्तिक मास आरंभ ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत दीर्घ एक मास व्यापी माँ महालक्ष्मी एवं श्रीमनारायण विष्णु तुलसी वृक्ष रे बास करती। तेणु यह मास सारा तुलसी वृक्ष को पूजा कराए विशेष भाव में। जदिओ वर्षर अन्य समय रे आमे देवी तुलसी को पूजा करता तुलसी गोटे पवित्र वृक्ष मात्र देवी भाव में अभिहित करमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा। तेणु वर्ष सारा तुलसी पूजा करवा समय कार्तिक मास सारा तुलसी पूजा करवा समय विशेष भाव में कार्तिक पंचुक व्रत पालन करने समय यही सब मंत्र उच्चारण करी शुद्धभूत भाव में श्रीमनारायण विष्णु माँ लक्ष्मी एवं देवी तुलसी वृंदावती को पूजा करती ताहल निश्चित भाव अशेष पुण्यफल आपर एंदेह ना। पवित्र कार्तिक पंचुक व्रत अवसर में अनेक अभिनंदन। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय।